एवरीवन, आज है 11 जुलाई 2021। आज हुआ है HP टैट मेडिकल वालों का एग्ज़ाम। सो मैं आज आपके सामने आंसर की लेके आई हूँ। केमिस्ट्री की आंसर की हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, अब आती है बॉटनी एंड जियोलॉजी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सीरीज हमारे पास है ए, तो क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं बट क्वेश्चन सेम होते हैं तो सभी चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, रेस्पिरेशन आती है जो मेडुला ओब्लोंगेटा, मतलब ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट आता है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ए ब्लड इंक्रीज द ब्रीदिंग बिकम, तो वो आएगी फास्टर एंड डीप। नेक्स्ट आता है ऑड वन इज, तो ऑड वन आ जाएगा सी कुकुम्बर, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका पॉलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक इज थ्रू वन ऑफ सिनर्जीड, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है चांस एलिमिनेशन ऑफ ए एलील्स फ्रॉम ए स्मॉल पॉपुलेशन, तो वो आ जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका द कोर एलिमेंट ऑफ ए क्लोरोफिल, तो वो आ जाएगा आपका मैग्नीशियम, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है चाइल्ड विल ब्लड ग्रुप ओ एंड हैज़ ए बी ग्रुप फादर एंड ए ग्रुप मदर एंड द फादर एंड मदर हैव ए जीनोटाइप, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट हार्मोन प्रोडक्ट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज, तो वो आ जाएगा इंसुलिन, मतलब ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन इज, तो ये आ जाएगा NAA, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका सिक्रेटिन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस बाय, ये आ जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये होता है ड्यूडेनम से। नेक्स्ट आता है आपका विच कोडोन इज नॉट ए इंडिकेटर ऑफ ए कम्प्लीटेशन ऑफ ए प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो आ जाएगा AUG, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिसीजेज, देखिए सारे क्या हैं वायरस डिसीजेज हैं, तो प्लेग जो है वो बैक्टीरियल डिसीजेज हैं। नेक्स्ट आता है कनेक्शन ऑफ ए मसल टू बोन, तो ये आ जाएगा टेंडन, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है विडाल टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस ऑफ, तो ये आ जाएगा टाइफॉइड के लिए, मतलब ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज ए पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल, तो ये आ जाएगी लाइसोसोम, तो मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका फ्लेम सेल इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन, ये आ जाएगा प्लैटीहेलमिंथीज, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका फर्टिलाइजर पास ऑन ऑफ फ्रेश वाटर विल कॉज यूट्रिफिकेशन, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका लार्ज नंबर ऑफ ए WBCR, तो ये आ जाएगा न्यूट्रोफिल्स, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है एप्रिल एरिल इज द एडिबल पार्ट ऑफ, किसका एडिबल पार्ट है, ये आता है आपका लीची, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग ए लाइट रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका द आइडिया ऑफ ए सर्वाइवल ऑफ ए फिटस वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय, तो ये आता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट। देखिए डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ ए प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज, तो इनमें से आ जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट आता है आपका द सेल कॉल्ड पोडोसाइट्स अकर इन, तो ये आ जाएगा वॉल ऑफ ए ग्लोमेरुलर एपिथेलियम। देखिए स्टूडेंट्स जो मैं टिक लगा रही हूँ वही सही है, अब और टिक्स पे ध्यान मत दीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ ए एंटीबॉडीज विद इन अ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज, तो उसे बोला जाएगा एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका पिक द ऑड पेयर आउट, तो इसमें से पिक आ जाए ऑड आ जाएगा मोनेरा मोनेरा यूकैरियोट, ये ऑड नंबर है। फिर आता है आपका हु डिस्कवर राइजोसोम, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एसोसिएटेड विद द स्टोमेटल मूवमेंट, तो वो आ जाएगा आपका एब्सिसिक एसिड, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, तो वो आएगा आपका फ्रंटल लोब, मतलब ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका डायबिटीज इंसिपिक्वस इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ ए हार्मोन, तो ये आ जाएगा आपका वास्कोप्रिसिन, ये है एंटी ड्यूरेटेड हार्मोन।
नेक्स्ट आता है आपका HCl इज सिक्रेटेड बाय, HCl सिक्रेट होता है आपका ऑक्सीजेनेटिक सेल जिस, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, उसे बोला जाता है माइकोप्लाज्म, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है DNA फ्रेगमेंट्स आर, तो ये आता है नेगेटिव चार्ज, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है निकोटीन इज सिंथेसिस इन, सिंथेसिस होती है रूट में, बाकी फॉर्मेशन जो होती है वो जाती है लीव्स में। नेक्स्ट आता है आपका द प्रोसेस ऑफ ए कन्वर्जन ऑफ ए ग्लूकोज इंटू एल्कोहल इज कॉल्ड, तो वो आता है फर्मेंटेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जो मैं बोल रही हूँ वही क्वेश्चन, ठीक है, और बाकी जो टिक लगे हुए हैं उन पर ध्यान मत दीजिएगा। नेक्स्ट आता है बॉडी ऑफ ए टेप वॉर्म इज सेड टू बी, इसे बोला जाएगा, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जिंजर एग्जाम्पल आएगा राइजोम का, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका व्हेन ए लीफलेट्स आर जॉइंट टुगेदर एट ए कॉमन पॉइंट एट द पेटियोल द लीफ इज कॉल्ड, तो उसे बोलेंगे पैलमेंट कंपाउंड लीफ, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन इज फाउंड इन, ये आ जाएगी लिलिएसी, मतलब ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका कैनालिकुली कैन बी सीन इन, ये कहाँ पे सीन होगी, ये होगी बोन में, मतलब ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका विच इज नॉट ए ट्रू ऑफ ए सेंट्रियोल, तो ये आ जाएगा ट्रू फॉर सेंट्रियोल, मतलब और ट्रू है, तो इसमें आ जाएगा 9+0, मतलब 9+2 ट्रू है। नेक्स्ट आता है आपका शुगर फाउंड इन ए फ्रूट हनी नेक्टर, ये प्रीवियस ईयर भी आया हुआ क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट, फ्रक्टोज। नेक्स्ट आएगा आपका माल्टोज इज फॉर्म बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ए मोनोसेकेराइड, तो वो आ जाएगा आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका आयोडीन इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ, तो आयोडीन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है, देखो थायराइड ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, थायरॉक्सिन, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका विड्थ ऑफ ए डीएनए, तो ये आ जाएगी 20 एंगस्ट्रॉन, लेंथ पूछी जाएगी तो 34 एंगस्ट्रॉन आ जाएगी। नेक्स्ट आता है एमआरएनए इज पॉलीमर ऑफ, तो एनआरए पॉलीमर आ जाएगा आपका राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका टर्गर प्रेशर इज ऑलवेज अपोजिट टू, तो टर्गर प्रेशर आ जाएगा वॉल प्रेशर के अपोजिट। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसमें आपका दो ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कॉपर एंड जिंक दोनों ही होते हैं, सो इसमें से कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि बोरोन भी आता है, जैसे जिंक बोरोन मैगनीज एंड आयरन कॉपर आप क्लोरीन, ये आपके क्या आ जाएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो इसमें से आप पता नहीं कौन सा करेक्ट करेंगे, हो सकता है तीनों ऑप्शन करेक्ट कर ले, ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है रेप्लिकेशन ऑफ ए सेंट्रियोल टेक प्लेस इन, तो रेप्लिकेशन सेंट्रियोल की होती है एस G1 स्टेज में, एंड S स्टेज में DNA की रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हाउ मैनी सेल विल बी प्रोड्यूस इफ ए सेल डिवाइड माइटोटिकली 6 टाइम, तो ये आ जाएगा 12, मतलब ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है एंड प्रोडक्ट ऑफ ए ग्लाइकोलिसिस, तो एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का आ जाएगा पाइरुविक एसिड, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नीड लार्ज अमाउंट ऑफ ए वाटर फॉर इट्स सिक्रीशन, तो एक्वाटिक एनिमल करते हैं तो वो सिक्रीट करते हैं एमोनिया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका विच सेल पैनक्रियास प्रोड्यूस ए इंसुलिन, तो वो आ जाएगा अल्फा सेल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ईस्ट्रस साइकिल फाउंडिंग, तो ईस्ट्रस साइकिल फाउंड होता है सब में, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकरनी, देखो आपको पता है ना दो टाइप्स की फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल होती है एम्फीबियंस में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग द माइक्रोस्पोरेंजेसिस मियोसिस अकरिंग, तो मियोसिस हो जाएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका 256 माइक्रोस्पोर विल बी फॉर्म्ड बाय मियोसिस, तो ये आ जाएगा 64 MMC। नेक्स्ट आता है आपका कॉर्पस लिटियम प्रोड्यूस, तो कहाँ पे होगा एस्ट्रोडियोल, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए टुंड्रा सिंड्रोम, तो इसमें होता है एक लेस, तो आ जाएगा आपका 45, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका 3 कोडोन विच कॉज ए चेन टर्मिनेशन, ये आ जाएगा आपका जी, ठीक है, AUG, GUG एंड UAA, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट।
तो इसके साथ हो गया आपकी बायोलॉजी ख़त्म, इसके बाद हम और करेंगे। सो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए फॉर HP TAT प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।